नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास बजट नहीं है, आप लोन लेकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपसे आज कुछ ऐसे बिजनेस आपसे शेयर करेंगे जो लोन का पैसा आप इस बिजनेस में लगाते हैं तो दोस्तों आपका पैसा एक साल में कम से कम 50 से 100 गुना हो जाएगा। वह कौन सा बिजनेस है, उस बिजनेस को आपको कैसे डेवलप करना है, कैसे आपका लोन का पैसा नहीं डूबेगा, उस बिजनेस को कैसे करना, टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों वह बिजनेस आइडिया आपसे शेयर करेंगे जिस बिजनेस को हम कर रहे हैं, तो टोटल जानकारी आपसे शेयर करेंगे। और ये भी दोस्तों आपको बताएंगे आप लोन जो ले रहे हैं वो कितने परसेंट पे मिल रहा है और आप बिजनेस में कितने परसेंट पे कमा रहे हैं, किस तरह से आपका पैसा एक साल में 50 से 100 गुना हो जाएगा, सारी जानकारी आपसे शेयर करते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आप जो लोन ले रहे हैं किस स्कीम के अंतर्गत ले रहे हैं। मान लीजिए दोस्तों आप जो लोन ले रहे हैं वो मुद्रा लोन योजना, जिसे प्रधानमंत्री की जो मुद्रा लोन योजना है, अगर इसके अंतर्गत ले रहे हैं तो दोस्तों इसमें जो लोन परसेंटेज मिलता है वो 8% से 10% मिलता है। अगर किसी प्राइवेट से और बिजनेस लोन आप ले रहे हैं वो दोस्तों 10% से 14% तक मिलता है। 10% से 14% क्या मिलता है, सालाना मिलता है। जैसे मान लीजिए आपका 100 रुपए है, 100 रुपए पे 10 रुपए आपको देना पड़ेगा साल भर का। किसी किसी बैंक में 14% पे मिलता है, तो 100 रुपए का 14 रुपए साल में देना पड़ रहा है। कितना देना पड़ रहा है, साल में देना पड़ रहा है। दोस्तों लोन लेकर बिजनेस में वही लोग फेल होते हैं जो एक सिस्टम ढंग से नहीं करते हैं बिजनेस को, या ऐसे बिजनेस में लगा देते हैं जिसमें पैसा डूब जाता है। मान लीजिए आपने लोन लिया, लोन लेकर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपने डाल दिया और उस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में आपको अनुभव नहीं है, उस बिजनेस को करने के बारे में आपके पास अनुभव नहीं है, तो दोस्तों आप उस बिजनेस में क्या हो जाते हैं, उस बिजनेस में आपका पैसा फ्लॉप हो जाता है, आप डूब जाते हैं। इसलिए लोन लेकर हमें पैसा ऐसे बिजनेस में लगाना चाहिए जहां पे हमारा पैसा डूबे ना। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं लोन लेकर पैसा कहाँ पे लगाना है, कितना परसेंट करना है। दोस्तों हमें ऐसे बिजनेस का चुनाव करना चाहिए जो डेली नीड की, जिसमें डेली नीड की चीजें हो, सबकी आवश्यकता की चीजें हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। तो उसमें दोस्तों 3-4 ऐसे बिजनेस हैं जो डेली नीड के हैं। सबसे पहला बिजनेस होता है किराने का बिजनेस। दोस्तों अगर आपको लोन लेकर बिजनेस करना है तो किराना स्टोर का बिजनेस करिए, चाहे थोक में करिए चाहे फुटकर में करिए, दोस्तों इसमें आपका पैसा नहीं डूबेगा। तो चलिए हम बताते हैं इस बिजनेस को आपको कैसे करना है। तो आपको एक किराना स्टोर खोलना है, तो किराना स्टोर आज के समय में दोस्तों बहुत ज़्यादा खुल रही, अब कंपटीशन का समय है, तो कंपटीशन के इस समय में हम अपनी दुकान को कैसे डेवलप करें, अपने बिजनेस को कैसे ले जाएं, तो उसके में दोस्तों कुछ आपको तकनीकी अपनाना पड़ेगा, बिजनेस करने के कुछ एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं किस तरह से ग्राहक आते हैं। मान लीजिए आप दुकान खोल दिए किराना स्टोर की, कहीं पे भी आप खोल दिए, वो आप चुनाव कर लीजिए, थोड़ा सा लोकेशन अच्छा हो, जहाँ पे ज़्यादा लोग आबादी ज़्यादा हो, जो मार्केट हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है, वहाँ पे लोगों को आना जाना हो। तो किराना स्टोर आपने खोल दिया, अब इसमें ग्राहक कैसे लाएं, तो उसके लिए आपको दोस्तों एक छोटी सी स्कीम लगाना पड़ेगा, एक छोटा सा ऑफर लगाना पड़ेगा। वो ऑफर क्या है दोस्तों, आप सबसे पहले तो आपको ऑफर उस प्रोडक्ट पे देना है जो प्रोडक्ट का रेट सब लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी का रेट सबको पता है, सोयाबीन तेल का पता है, रेट सबको पता है, यानी रिफाइंड का रेट पता है और सरसों के तेल का रेट पता है, ये तीन चीज को रेट पता है। अब ये तीन चीजों पे आपको कस्टमर को अपने पास बुलाना है, इसी पे आपको ऑफर लगाना है। जैसे चीनी आपका दोस्तों कितने पड़ी है, 40 रुपए पड़ी, तो इसे 2% पे आप बेच दीजिए। मान लीजिए 40 आपकी चीनी खरीद है, तो इसको 2% पे आप बेच दीजिए, 2% पे गुणे 2% कितना हो गया, 80 रुपए, यानी कि 41 रुपए पे आप चीनी को बेचिए, कितने में, 41 रुपए में 2% पे बिजनेस। अब ये 2% पे जो जब आप बिजनेस करेंगे तो खुद जम के ग्राहक आपके पास आएंगे, क्योंकि दोस्तों 41 रुपए में कोई चीनी नहीं बेचता। अगर वो 40 रुपए में खरीदा है तो दोस्तों कितने 42 में बेचेगा, नहीं तो 44 में बेचेगा, 46 में बेचेगा। लेकिन यहाँ पे आपको परसेंटेज पे करना है, 2% आप डेली पे बिजनेस कर रहे हैं, डेली का ये 2% है, महीने का 60% है और साल का दोस्तों 720% गया, ये परसेंटेज पे आपको बिजनेस करना है।
तो दोस्तों जब आप परसेंट दो ही परसेंट पर आप बिजनेस कर रहे हैं और पैसा आप लोन कितने पा रहे हैं, ये दोस्तों 12-14% आप फालीना का पा रहे हैं और फालीना पर आप 720% बिजनेस कर रहे हैं। इस तरह से आपके पास कस्टमर भी आएंगे और आपका प्रॉफिट होगा। दूसरा है दोस्तों, दो ही आइटम तीन आइटम बारे में बता रहे हैं, बाकी तो 14-15% पे बिजनेस होता है, 20% पे। दूसरा है दोस्तों सरसों का तेल। अब सरसों का तेल मान लीजिए आपको 100 रुपए में खरीद पड़ा है, इसे आपको 3% पे बेचना है, 3% पे बिजनेस इसे करना है। 3% बेचेंगे तो तेल कितने के गया, 103 रुपए में, 103 रुपए में आप बेचिए। इसमें लागत क्या है, कुछ नहीं, इसमें खराब क्या होगा, कुछ नहीं होगा जितना, और वो भी तेल वही बेचना है, ऑफर उसी तेल पे लगाना है जो ब्रांडेड कंपनियां हो, जिससे आपका माल डंप ना हो, माल तुरंत ही निकल जाए। 3% पे, 3% कब का हो गया, डेली का 3% हो गया दोस्तों, महीने का 90% और साल का 1000% जा रहा है, 1000% जा रहा साल का, 90% पे आप बिजनेस कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 3 रुपए में तेल कोई नहीं बेचता, आप एग्जांपल करके अभी आपको बताएंगे कैसे निकालना। अब यही पे रिफाइंड तेल हो गया दोस्तों, रिफाइंड तेल सबसे ज्यादा बिकता है, रिफाइंड को भी 3%, आप तेल को 3-4% पे बेच सकते हैं। अगर आप 4% बेच रहे हैं तो 104 पे बेच रहे हैं, अगर 5% पे बेच रहे हैं तो 105 पे बेच, यानी 3% से लेकर 5% के बीच का परसेंटेज आप रख सकते हैं तेल के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप दो ही बिजनेस से आप अच्छे से कमा सकते हैं और इसमें आपकी पूंजी वेस्ट नहीं जाएगी। दूसरी चीज, कुछ और चीजें होती हैं, जैसे इसमें दोस्तों चाय हो गया, पेस्ट हो गया, बिस्किट हो गया, दालें हो गई, इन सब पे दोस्तों 15-20% की मार्जिन होती है। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन पे नहीं बेचना है, यानी तोड़ के बेचना है 5% पे ले करके। अब तेल हो गया 3-5% के बीच में, बाकी जो आइटम है वो 5-8% के बीच में या 5-10% के बीच पे आप बिजनेस करिए। परसेंटेज पे जब आपके पास जो माल आए, माल आने के बाद उस पे परसेंटेज का रेट लगा के आप वो रेट फिक्स कर लीजिए अपने यहाँ, कौन कितने बेच रहा है उसकी बात छोड़ दीजिए, आपको अपना ऐसे बेचना है परसेंटेज पे। तो पहला बिजनेस हो गया किराने के बिजनेस में, जिसमें आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। दूसरा है दोस्तों मेडिकल स्टोर का बिजनेस। मेडिकल स्टोर के बिजनेस में जो दवाएं होती हैं दोस्तों, 2-3 साल एक्सपायरी होती है, तो आपका एक्सपायरी होने का चांसेस नहीं है। दूसरे तरफ दोस्तों ये डेली नीड की है, तो मेडिकल स्टोर ऐसे स्थान पर खोलना है जहाँ पे हॉस्पिटल हो, जहाँ पे प्राइवेट डॉक्टर बैठते हों, जहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, ऐसे स्थानों पे मेडिकल स्टोर खोलना है। और मेडिकल स्टोर में दोस्तों जब आपका चलने लगता है तो कुछ ऐसी दवाएं होती है जो डॉक्टर लिखते हो, डॉक्टर का पर्चा आपके मेडिकल पे आता है, और तो उसमें क्या होता है, उसमें आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, एमआर आपके यहाँ आएगा, डॉक्टर जो दवा लिखेगा वो दवा आपके यहाँ रखेगा, और जब डॉक्टर दवा लिखेंगे दवा बिक जाएगी तभी आपको पैसा देना है। तो मेडिकल स्टोर का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। और तीसरा बिजनेस है जो दोस्तों कभी नहीं बंद होगा, कपड़े का बिजनेस है। कपड़ा हम आप पहनते हैं डेली, कपड़ा अंडरवियर, बनियान, पैंट, शर्ट, ये है, बिना हम कपड़े के नहीं चल सकते, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको रखना है, बस उसी हिसाब से आपको रखना है। और ये भी परसेंटेज पे बिजनेस करना है, ये तो दोस्तों 30% से लेकर 60% के बिजनेस होता है कपड़े का, ब्रांडेड कंपनियों पे। तो इस पे भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, जितने में आपका माल आया है उस पे 10-15% लगा करके वो रेट लिख लीजिए, एक फिक्स प्राइस की दुकान रखिए। चाहे कोई आपके यहाँ एक लड़का आ जाए, चाहे आपके यहाँ कोई बुजुर्ग आ जाए, आपका रेट फिक्स होना चाहिए सारी दुकानों में। जब आपका रेट फिक्स होगा तो दोस्तों उससे कस्टमर के माइंड में एक सोच जाती, भैया इनके यहाँ जो कुछ मिलता है फिक्स रेट पे मिलता है, तो आपको ये फिक्स प्राइस आपको रखना पड़ेगा। दूसरी चीज, तीसरा बिजनेस जो है दोस्तों, वह जूता चप्पल का बिजनेस। ये भी बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिना जूता चप्पल के आप नहीं चल सकते हैं। तो इसमें भी आपको परसेंटेज के हिसाब से काम करना है। जूता चप्पल भी दोस्तों 20% से लेकर 80-70% तक जूता चप्पल पे मार्जिन होती है। इसको भी आप 8% से लेकर 15% के बीच की अपनी मार्जिन रखिए, बाकी कस्टमर को छूट दे दीजिए। अगला बिजनेस है जो आपको नुकसान नहीं देगा, उसमें भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, वो है स्टेशनरी का बिजनेस। पढ़ाई लिखाई का काम बंद नहीं होगा, स्टेशनरी के बिजनेस में 25% से लेकर 60-70% के प्रॉफिट होती है। और दोस्तों इसमें ये नहीं होता है,
कॉपी किताबों में तो दोस्तों 25 से 30%, कॉपियों में तो दोस्तों 35-40% तक मार्जिन होती है, पेंसिल और पेंसिल पे भी 20 से 25% मार्जिन होती है। तो दोस्तों ये स्टेशनरी का, तो ये 4-5 बिजनेस है, जब भी आप लोन लेना, लोन लेने के बाद इसी बिजनेस में लगाना। हाँ, लोन ले करके कभी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मत डालना, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में पैसे फ्लॉप होने के चांसेस रहते हैं। अगर आपको कोई बिजनेस ही करना होगा तो दोस्तों मार्केटेड बाय लॉन्च करना, मार्केटेड बाय बिजनेस करने में पूंजी कम लगती है, पूंजी कम लगती है, मैन्युफैक्चरिंग में दोस्तों पूंजी ज्यादा लगती है। हाँ, आप जितना लोन ले रहे हैं या तो उतना पूंजी आपके पास पहले से हो, तब आपको फ्लॉप होने के चांसेस नहीं होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से लोन लेकर के आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपना स्टेट बताइए, आप किस बिजनेस में करने में इंटरेस्टेड हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, दोस्तों हम हेल्प कर देंगे, आपको मदद कर देंगे उस बिजनेस को चॉइस करने में, और आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और किस मद के अंतर्गत आप लोन लिए हैं, कितने परसेंटेज पे आपको मिला है, सारे चीज़ आप हमको बताएंगे तो उसी हिसाब से हम आपको मैनेज कर देंगे। ये बिजनेस आप करिए, इतनी पूंजी लगाइए, ये इस हिसाब से आप बेचिए, इसका इतना रेट रखिए, ऐसे ऐसे दुकान पे अपना ऑफर लगाइए, तो दोस्तों आप उस बिजनेस में सफल हो जाएंगे 100%। मैं फेल नहीं होने दूंगा, हमसे जुड़ने से यही फायदा है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के साथ।